चाय पी लो, उठना ही नहीं है। जब से सुई लगवा के आई तभी से लेटी, अभी देखिए कब तक इनका दर्द नॉर्मल। और देख सकते हैं गुड़िया जी का रो कर बुरा हाल हो रहा है, और देख सकते हैं रोना इनका चालू हो गया है क्योंकि सुई से बहुत डरती हैं। फिलहाल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो गई थी पैर में, पेट में भी दर्द होने लगा था, क्योंकि इसलिए लगवाना ज़रूरी था, नहीं तो पता नहीं आगे दर्द बढ़ता जाता और कहीं जाना भी है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे सुई लग गया है और बुढ़िया जी रो रही हैं, इनके बच्चे सिफारिश कर रहे हैं मम्मी उठो मम्मी उठो, दर्द के नाते उठ नहीं रही हैं। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया इनका, सुई तो लग गया है, सुई लगने के बावजूद भी बेचारी रो रही हैं, सुई से बहुत डरती थी बहुत डरती थी। इनको दवा दे दीजिए खा लेंगे, दवा भी नहीं खाती हैं, उल्टी या इंजर होता। देख सकते हैं गुड़िया जी एकदम तबीयत बिगड़ता जा गया है। नहीं देखिए इनके बच्चे यहाँ परेशान हैं, इम हिमांशु परेशान है, लाडो परेशान है, दोनों बच्चे इनको उठा रहे हैं मम्मी चाय पी लो, तो होता है बेचारी बहुत मेहनती है, बताओ बहुत मेहनत करती है। नहीं देख सकते हैं मम्मी और उनकी बेटी दोनों रो रहे हैं, बेटी भी रो रही मम्मी भी रो रही है। देख सकते हैं बच्चे रो रहे हैं, ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द नहीं समझ हो रहा है पापा, नहीं रहने का। दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और देख सकते हैं गुड़िया जी तो थोड़ा नॉर्मल हो गई हैं इस समय। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हम गुड़िया गोरखपुरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, और आप लोगों के कृपा से देखिए आज बैठे हैं, वीडियो भी बना के पोस्ट किए हैं, बहुत सारा वीडियो पोस्ट किए हैं, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को जैसे सपोर्ट करते आए थे, जैसे करते हैं वैसे ही हमेशा करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सिवा हमारा कोई नहीं, बस आप ही जो हो वो आप ही लोग हो, और एक हमारे मम्मी पापा हैं, और कोई हमें कोई भी हमें सहारा देने वाला नहीं है, बस जलने वाले बहुत है लेकिन सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो देखिए बारिश हो रहा है आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वीडियो बना रहे थे तब तक बारिश आ गया है, और बारिश भी आना बहुत ही मतलब अच्छा लगा, बहुत दिनों से मतलब बारिश नहीं हुआ था खेत में, थोड़ा सा खेत है मेरा जो कि मतलब उसमें धान बोया गया था वो सूख गया था, बहुत आशा कम था कि होगा नहीं, तो बारिश हो रहा है तो शायद एक आध बोरी धान निकल ही जाएगा, ज़्यादा नहीं होता है बस थोड़ा ही होता है, क्योंकि ज़्यादा हमारे महाकाल जी का खेत नहीं है, बस लगभग लगभग कितना एक मंडा खेत एक है मंडा। एक मंडे में हम हमारे इनके भाई तीन हैं, तो जो भी मतलब खाने वाला होता है चावल गेहूँ सब हम लोग खरीद के ही खाते हैं, ना खेत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भगवान बरस रहे हैं बहुत लोगों का भला हो जाएगा, तो अच्छा लगा बारिश आज का। तो तीन दिन से गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर जगह बारिश हो रहा था पर यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था, इसमें गुड़िया का तबीयत थोड़ा नेचुरल हो गया है, थोड़ा सा नेचुरल हुआ है पर
कमर जो है ना, कमर में चोट भी नहीं लगा था, फिर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है भाई जी। भेज गए यार बेचारा से, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा बारिश हल्का हो, एक दो शॉट इनके साथ बना लें, क्योंकि बहुत दिन हो गया इनके साथ भी नहीं बना, तो बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। और कल कहीं से फ़ोन आया था सूट पे जाना है, पता नहीं, अब सोचे हैं जाके इंजेक्शन लगवा लेंगे तो शायद राहत मिल जाएगा, क्योंकि आज हमारा दवा ख़त्म हो चुका, दवा नहीं है मेरे पास, तो अभी थोड़ा देर में जाएंगे डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाएंगे, अगर उससे फ़ायदा हो जाएगा तो कल जाएंगे सूट पे, क्योंकि डांस नहीं करना है बस ऐसे ही, मतलब एक्टिंग बस करना है, डांस नहीं करना है, ऐसा गाना है, मतलब बहुत अच्छा गाना है जिसमें मतलब हमारा रोल है, हमारे महाकाल जी का रोल है, उसमें डांस नहीं है, डांस वगैरह नहीं है जी, कुछ नहीं है, बस यही है रोना धोना है और कोई उतना वो नहीं है। सावन का गीत है, मतलब कांवर वाला है, मतलब तो वहाँ पे जाना हमको, अब देखिए जा पाते हैं। तो दोस्तों अभी मतलब बारिश थोड़ा हल्का हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, हो सकता है उसे लगाने से कि मतलब थोड़ा दर्द, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है और कमर में दर्द है, कभी कभार पेट में भी, पता नहीं कितना बीमारी हो गया, इतना बीमारी हमको कभी हुआ नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा बीमारी हो गया है कि हम खुद हम एकदम घबरा जा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी किसी तरह मतलब चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब अगर हम ऊपर वाली कृपा, अगर हम परेशान रहेंगे तो हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार परेशान रहेगा, तो इसीलिए किसी तरह झेल रहे हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बंद करो, नहीं कहा बंद करो ऐसे, हाँ।